it was so surprising that it was very well received, and my friend also understood, and उसके बाद उसका भी रेस्पॉन्स बहुत ही डिफरेंट वे में आया. सो इट जस्ट वॉज सच अ लर्निंग कि अभी तक मैं मतलब एक एक एंगल में चल रही थी. फियर फियर क्या आ रहा था जब जब आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे, तो व्हाट वाज द फियर? फियर ये आ रहा था कि मैं कुछ बोलूंगी एंड देन दे विल नॉट लाइक इट, बट इवेंचुअली इट वॉज मोर ऑफ देम जजिंग मी एंड मी बींग मे बी लाइक कमिंग अक्रॉस एज नॉट अ गुड पर्सन, कि अरे ये कैसी है, ऐसे सब बोल रही है. एंड देन यू नो लाइक द गुड गर्ल सिंड्रोम, राइट? सो इट वॉज मोर ऑफ दैट, ओ शी इज नॉट नाइस. हाँ, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग ऑन दिस, कि ये इस तरह के एक्सक्यूजेस, सो दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट जस्ट ऑनली फॉर दिस थिंग. ये हम कई बार ऐसा करते हैं ना, कि हम कोई एक्सक्यूज देते हैं फ्रॉम द एंगल कि पीपल विल जज मी लाइक दिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट डूइंग इट, एंड आई एम ऑलरेडी, देन आई ऑलरेडी स्टार्ट एक्टिंग दैट वे एज इफ दिस इज ट्रू. सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो इनफैक्ट दे आर नॉट, यू आर जजिंग देम, क्योंकि उनको तो मौका भी नहीं मिला, आपने मौका भी नहीं दिया जज करने का, आपने उनको ऑलरेडी जज कर लिया कि वो आपको जज करेंगे, और आपने उस तरह से एक्ट करना भी शुरू कर दिया कि अगर ये ऐसा बोलेंगे इसलिए आपने वो स्टॉप कर लिया, या आपने उस तरह से बात नहीं की. तो इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि हम बोलते तो ये हैं कि दूसरे मुझको जज करेंगे, मैं इसलिए नहीं कर रहा या मैं इसलिए नहीं कर रही, पर इनफैक्ट वी आर द वन हु आर जजिंग देम, क्योंकि हमने तो उनको मौका भी नहीं दिया वो चीज करने का, हमने तो पहले ही अज्यूम कर लिया कि ये करेक्ट है, और फिर हमने उस पर एक्शन भी ले लिया. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से.